नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। मैं आज आप सब लोगों के साथ सोयाबीन में नमी संरक्षण क्रियाएं के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है। पिछले 10 सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण से बारिश की मात्रा या इसकी वितरणा में बहुत उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से सोयाबीन की जो उत्पादकता है वो गिरते हुए हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए सोयाबीन के अंदर नमी संरक्षण क्रिया के बारे में जानना और अपनाना बहुत जरूरी है। सोयाबीन के अंदर नमी संरक्षण क्रिया ये हमने तीन बिंदुओं में विभाजित किया गया है। एक सबसे पहले जो है, बुआई के पहले हमको क्या करना है, बुआई की पद्धति में क्या परिवर्तन लाना है, और बुआई के बाद यदि बारिश 15 से 20 दिन तक नहीं आता तो तब हमको कौन सी नमी संरक्षण क्रियाएं हमको सोयाबीन के अंदर करना है, वो मैं इन डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए, सबसे पहले जो है बुआई की पूर्व हमको कौन सी स्वस्थ ही नमी संरक्षण या नमी सोयाबीन के अंदर नमी संरक्षण को करना है वो जानेंगे। लेज़र लैंड लेवलर एक आधुनिक ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है, उसको लेके आपको खेत को समतोलन बनाना है। ऐसे खेत को समतोलन बनाने से आपका खेत की साइज जो है एरिया 4 से 6% बढ़ जाएगा। साथ में आपकी जो भी फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद या रासायनिक खाद जो भी आप डालते हो तो आपके खेत के अंदर ही रहेगा, और जो भी बारिश की पानी जब गिरता है तो वो आपके खेत के अंदर ही रसा होके पूरा खेत के अंदर ही चले जाएगा।